अस्सलाम वालेकुम। हाँ तो दोस्तों, आज सुबह सुबह हम लोग आए हुए हैं शारजा एयरपोर्ट। तो आज यहाँ आए हैं और कहीं जाने का प्लान है शारजा एयरपोर्ट से। तो अब जाते हैं और आपको बताते हैं कि कहाँ जा रहे हैं हम। ये थोड़ा सरप्राइज़ है, इंशाल्लाह जाते हैं, पहुँचते हैं वहाँ पर, तो फिर आप लोगों को भी शामिल करते हैं इसके अंदर इंशाल्लाह। दोस्तों, हमारी फ़्लाइट है 9 बजे की और अभी बिल्कुल 6:35 हो रहा है। हम लोग एयरपोर्ट पर हैं, जाते हैं इंशाल्लाह अंदर और फिर आगे का प्रोसेस करते हैं और इंशाल्लाह फिर फ्लाइट में बैठ के आप लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ तो दोस्तों, ये हम बोर्डिंग वगैरह हमने करा ली है, चेक इन हो गया है हमारा, अभी लॉन्च में आए हैं। तो ये लॉन्च का सिस्टम है, ये एप्पल जूस में इंजॉय कर रहा हूँ अपना। अस्सलाम वालेकुम। हाँ तो दोस्तों, आपके पास अगर लॉन्च की सर्विस है और आप उसको अवेल ना करें तो इंतहाई बेवकूफ़ी का काम है। अगर आपके पास सर्विस है ये, तो इसको ज़रूर अवेल करें। हम भी यहाँ पर बैठे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अपना एप्पल जूस इंजॉय कर रहे हैं। अभी हमारे जो है वो फ्लाइट की बोर्डिंग में टाइम है, तो थोड़ी देर में जो है हम कुछ उठ के खाएँगे इंशाल्लाह और आपको भी दिखाते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये हमने हल्का फुल्का था जो है वो कुछ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं इधर लॉन्च में। ये हमारा कुछ रोल है, नाम यहाँ पर असल में बहुत टिपिकल है, तो वो याद रखना जो है थोड़ा मुश्किल था, इसलिए बस आपको ये दिखा देते हैं किस तरह का रोल है। अंदर बिल्कुल ही मैश हुआ हुआ चिकन टाइप कुछ है और ऊपर ये रोटी का रैप है। टेस्ट अच्छा है, थोड़ा सा ड्राई लग रहा मुझे, लेकिन टेस्ट अच्छा है। इसके अलावा हमारे पास ये चीज़ का मैंने रिहा नहीं है, ज़्यादा नहीं लूँगा क्योंकि फ्लाइट में भी जो है वो थोड़ा है मेरा फील, तो यहाँ खाएंगे थोड़ा सा और थोड़ा सा फ्लाइट में खाएंगे थोड़ा सा। यहाँ मैंने ये हॉट मिल्क लिया है, यहाँ एक आपको लुक दे दूँ, ये बफे है सारा, है तो बहुत चीज़ है लेकिन मैंने थोड़ा लिमिटेड ही खाया है। अच्छा दोस्तों, ये कतर आए हैं कुछ काम के सिलसिले में। सुबह फ्लाइट से उतरने के बाद कार हमने रेंट पर ली और अपना कुछ काम निपटाया, उसके बाद ये हम आए हैं दोपहर में खाना खाने के लिए। विलेगियो मॉल है कतर में, तो वहाँ आके हमने KFC वगैरह खा। अस्सलाम वालेकुम। हाँ तो दोस्तों, ये मैंने सोचा आपको होटल टूर, जहाँ जिस रूम में होटल में ठहरा हूँ मैं किंग्स गेट में, उसका टूर भी आपको दे दूँ। ये बाथरूम है, अभी मैंने यूज़ किया तो थोड़ा सा गंदा लग रहा होगा, पानी वानी पड़ा हुआ इधर। और ये रूम है, ठीक है, ये यहाँ पर छोटा सा एक किचन दे दिया कि रात में आपको ज़रूरत हो तो चाय शाय कुछ बना लें। और ये सारा कपड़ मैं ओपन करूँगा नहीं, उसमें मेरे कपड़े पड़े हैं थोड़े बेहंगम से तरीके से। तो ये होटल है जहाँ रात में मैं ठहरा था, प्राइजेस भी अच्छे हैं, किंग्स गेट के नाम से है ये दोहा में। कल पूरा दिन काम में बिजी रहे, कुछ काम के सिलसिले में दोहा आना हुआ था, तो एक विलेगियो मॉल है सिर्फ वहाँ गए दोपहर का लंच करने, वो थोड़ी सी वीडियो मैंने आपको पीछे दिखाई है। और उसके बाद रात में कोई 11 बजे के टाइम पे फारिग होके होटल आए, तो बहुत थक चुके थे और यहाँ आके सिर्फ हमने सोना किया खाना खा के। रात के डिनर की भी मैं वीडियो नहीं बना सका क्योंकि काफ़ी थके हुए थे। बहरहाल अभी भी मैं तैयार हो गया और हमारी काफ़ी मीटिंग्स हैं, उसके सिलसिले में निकलना है, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। एक चीज़ मैं शेयर करूँगा जो रात में मेरे साथ हुआ, मैं सो रहा था तो रात में हर किसी इंसान की आँख खुलती है एक दो बार, तो मेरी भी आँख खुली और ये जो मैं आपको सीन दिखा रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर हर दफ़ा ऐसा लगा कि यहाँ कोई खड़ा हुआ है। तो बहरहाल ये तो एक वहम था, लेकिन देखने में ये ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ कोई खड़ा हुआ है। तो हर दफ़ा जब भी मेरी आँख खुली तो मुझे ऐसा लगा यहाँ मेरे सर पर कोई खड़ा हुआ है, जबकि ये सिर्फ मेरा बैग रखा हुआ है और ये टावल चेयर के ऊपर हैंग हुई भी है। लेकिन जब भी मेरी आँख खुली थी मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ कोई मेरे सर पे खड़ा हुआ है। बंदा जब अकेला होता है तो इस तरह के वहम आते ही हैं उसको। अच्छा, ये होटल का अभी मैं रूम से निकल के ये नीचे आया हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। तो ये सारा लुक है होटल का, सामने रिसेप्शन है, ये सारा ब्रेकफास्ट का हमारा। यहाँ मैंने थोड़ा ये सीरियल्स लिए हैं विद हॉट मिल्क और ये आपके बीन्स हैं, थोड़े से फ्रूट लिए हैं।
जी हाँ, मैंने एग बनवाया है। चीज़ डाल। अच्छा दोस्तों, मैं यहाँ ये बताता चलूँ, ये हमारे दोस्त थे जो हमारे शेफ़ थे, इंडिया से थे, और इन्होंने जो मुझे आमलेट बना के दिया था बहुत ही बेहतरीन, इसमें इन्होंने आमलेट बनाने के बाद चीज़ वगैरह अंदर डाली थी और इसको मुझे बना के दिया था, बहुत ही बेहतरीन इसका टेस्ट था। ऐसा आमलेट मैंने ज़िंदगी भर नहीं खाया और बहुत इन्जॉय किया मैंने अपने ब्रेकफास्ट। तो इसके बाद पूरा दिन तकरीबन मैं बिज़ी रहा, फिर रात में कुछ फ्री हुआ था तो वो पार्ट मैं आपको इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो में दिखाता हूँ।